हेलो गाइस, व्हाट्स अप, जय हिंद। तो अभी मेरे पास एक पार्सल आया है अमेज़न से। तो मैंने कुछ आइटम ऑर्डर की थी, जो कि आपको मालूम रहेगा कि GoPro के साथ जो है ओनली एक ही केस आता है। और अभी मैंने सोचा कि चलो हेलमेट पे माउंट करता हूँ। तो मेरे को कैसा है कि अभी आउटडोर शूट करना रहेगा तो हेलमेट में माउंट करना बहुत ज़रूरी है GoPro को। उसके लिए फिर मैंने कुछ सामान मंगाया, अभी जो ओपन करते हैं, देन लेट्स सी कि क्या क्या है। सो गाइस, मैंने अमेज़न से ये ऑर्डर किए थे, तो आप देख सकते हैं ये जे माउंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हेलमेट में माउंट करने के लिए। तो और ये कर्व वाला जो एक क्लिप रहता है ये, एंड एक नॉर्मल वाला, देन जो है ये सेल्फी स्टिक के लिए शायद से यूज़ होते हैं, और ये दो बोल्ट आए हैं, और ये 3M का। एंड इसके साथ मैंने कॉम्बो में ऑर्डर किया था मेरे GoPro के लिए स्क्रीन गार्ड मंगवाए थे, तो ये कॉम्बो में ऑफ़र आ रहा था, नहीं तो मेरे को शिपिंग चार्जेस लग रहा था, तो फिर ये साथ में लिया। ये भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो अच्छा हो गया कि एक साथ में दोनों मिल गए। तो अभी ये आ गया है, देन जो है आगे का प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे माउंट करना है हेलमेट पे अपने GoPro को। तो देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो फर्स्ट जो है ये मास्किंग टेप चाहिए आपको, एमसील चाहिए, ठीक है, बाकी तो आपने देख लिया, एंड अपना हेलमेट, एंड ये स्प्रे पेंट है मेरे पास पड़ा था, तो इसका यूज़ भी ज़रूरी है, तो वो किस लिए तो आगे देखते रहिए आप, इसका यूज़ क्या है। एम सिल का जो मैं एक बेस बनाऊंगा, सो दैट क्या आफ्टर सम टाइम जो है कुछ टाइम के बाद जो है एम सिल जो है ऐसे वाइट वाइट ऑड सा दिखने लगता है हेलमेट पे, तो हम इसको पेंट करके लेंगे। तो अभी प्रोसीजर आगे का स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट गाइस। यस गाइस, अभी हम लोग अच्छे से ये क्लीन अप करके देन जो है ये मास्किंग टेप से प्रॉपर जो है एक बेस बनाएंगे, देन उसके बाद जो है हम एम सिल का यूज़ करेंगे। तो अब देखते रहिए, और हो सके तो अपना वाइज़र निकाल दें, सो दैट आपको इजी रहेगा काम करने के। सो गाइस, अभी जो है मार्किंग कर लें सेंटर पॉइंट, आपने कहाँ पे इसको जो है माउंट करना है। तो आप जो अलग अलग हेलमेट का अलग अलग ये है, तो मेरा जो है मैं यहाँ से ले रहा हूँ सेंटर पॉइंट। ऐसे आप मार्क कर लें, गाइज मैंने माउंट को भी मास्किंग टेप से अच्छे से कवर कर लिया है। अभी इसके ऊपर पेस्ट लगाते हैं, एंड उसके बाद जो है हेलमेट पे हम लोग माउंट करेंगे, देन जो है ये अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा एम सील। तो यस गाइज, अभी काफ़ी टाइम हो गया, 1 आवर से ऊपर हो गया, तो इसको अभी निकालते हैं, एंड उसके बाद जो है इसको पेंट करते हैं अच्छे से। तो आप और मास्किंग टेप का लगाने का रीज़न यही है कि अच्छे से निकलती है, और आपका नीचे हेलमेट का पेंट भी पील नहीं होता। तो आप इसको, तो ये अच्छे से निकल गया, और इसने अपना एक शेप ले लिया है, जो कि रिक्वायरमेंट थी जिसकी। देख सकते हैं आप, अभी ये प्रॉपर कर्व ले लिए यहाँ से, क्योंकि हेलमेट मेरा यहाँ से बहुत नीचे था, ऊपर था, तो प्रॉपर शेप ले लिया। अभी माउंट को भी निकाल लेते हैं। तो यस गाइस, अभी हमने ये पेंट करके ले लिया है, आप देख सकते हो एज इट इज़ दोनों ब्लैक हो गए। सो गाइस, अभी हम लोग जो है
बोथ साइड जो है ये टेप का यूज़ करेंगे ऐसे करके। तो अभी उसके बाद जो है फिर हम हेलमेट में माउंट करेंगे। तो पहले ये निकाल के, काफ़ी स्टिकी होता है तो ट्राई करें कि एकदम सेंटर पॉइंट से ही पकड़ें इसको। देन जो है अच्छे से स्टिक हो गए, देख सकते हैं अच्छे से इसको जो है अब ये कर सकते हैं। अब ये फ्रंट साइड तो रेडी हो गया, अभी बैक में जो है उसके बाद जो है हम लोग जे माउंट यहाँ पे अपना सॉरी ई कॉब माउंट जो है यहाँ पे लगा के देन फिर जे माउंट से अच्छे से ये कर सकते हैं। हो सके तो पहले आप इसको जो है इसमें फिट कर लें सो दैट आपको इजी रहे पकड़ने के लिए, अच्छा रहेगा आपको। अभी इसके बाद इसको लगाते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स। एंड एक चीज़ मैं भूल गया था गाइज, जो कि था GoPro का सेटिंग चेंज करना भूल गया मैं। एंड ये जो आप अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये लीनियर में रह गया मेरे से सेटिंग। एंड अगर होता तो मैं थोड़ा सा वाइड एंगल में रखता सेटिंग को तो आपको और अच्छा व्यू मिलता। बट एनी हो, दिस इज़ इट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।